धर्म में भूतों से बचने के अनेक उपाय बताए गए हैं। चरक संहिता में प्रेत बाधा से पीड़ित रोगी के लक्षण और निदान के उपाय विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष साहित्य के मूल ग्रंथों प्रश्नमार्ग, बृहत्पराशर, होरसार, फलदीपिका, मानसागरी आदि में ज्योतिष योग से जो प्रेत पीड़ा, पृतदोष आदि बाधाओं से मुक्ति के उपाय बताते हैं। अथर्ववेद में भूतों और दुष्ट आत्माओं को भगाने से संबंधित अनेक उपाय का वर्णन मिलता है। यहाँ प्रस्तुत है प्रेत बाधा से मुक्ति के 10 सरल उपाय। ओम या रुद्राक्ष का अभिमंत्रित लॉकेट गले में पहने और घर के बाहर एक त्रिशूल में जड़ा ओम का प्रतीक दरवाजे के ऊपर लगाएं। सिर पर चंदन, केसर या भरभूति का तिलक लगाएं। हाथ में मौली यानी कि नाड़ा अवश्य बांध कर रखें। दीपावली के दिन सरसों के तेल का या शुद्ध घी का दिया जलाकर काजल बना लें। यह काजल लगाने से भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी आदि से रक्षा होती है। घर में रात्रि को भोजन पश्चात सोने से पूर्व चांदी की कटोरी में देवस्थान या किसी अन्य पवित्र स्थल पर कपूर तथा लौंग जला दें। इससे आकस्मिक, दैहिक, दैविक एवं भौतिक संकटों से मुक्ति मिलती है। प्रेत बाधा दूर करने के लिए पुरुष नक्षत्र में चिटचिटे अथवा धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़कर उसे धरती में ऐसे दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से घर में प्रेत बाधा नहीं रहती और व्यक्ति सुख शांति का अनुभव करता है। प्रेत बाधा निवारक हनुमान मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ओं नमो भवते महाबल पराक्रमय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पुतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बैताल ग्रह राक्षसादिकम शेक्षण हन हन भंजय भंजय मारय मारय शिक्षय शिक्षय महामारेश्वर रुद्रावतार हूँ फट स्वाहा। इस हनुमान मंत्र का 5 बार जाप करने से भूत कभी भी निकट नहीं आ सकते। अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करें। उनके सूखने पर नए पत्ते रखें और पुराने पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। यह क्रिया नियमित रूप से करें। आपका घर भूत, प्रेत, बाधा, नजर दोष आदि से मुक्त रहेगा। गणेश भगवान को एक पूरी सुपारी रोज चढ़ाएं और एक कटोरी चावल दान करें। यह क्रिया 1 वर्ष तक करें। नजर दोष व भूत, प्रेत, बाधा आदि के कारण बाधित सभी कार्य पूरे होंगे। माँ काली के लिए उनके नाम से प्रतिदिन अच्छी तरह से पवित्र की हुई 2 अगरबत्ती सुबह और 2 दिन ढलने के पूर्व लगाएं और उनसे घर और शरीर की रक्षा करने की प्रार्थना करें। हनुमान चालीसा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और हनुमान मंदिर में हनुमान जी का श्रृंगार करें व चोला चढ़ाएं। मंगलवार या शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ शुरू करें। यह डर और भय को भगाने का सबसे अच्छा उपाय है। इस तरह ये कुछ सरल और प्रभावशाली टोटके हैं जिनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता। ध्यान रहे, नजर दोष, भूत प्रेत बाधा आदि से मुक्ति हेतु उपाय ही करना चाहिए, टोना या टोटके नहीं। इन बातों का भी सदा ध्यान रखें। सदा हनुमान जी का स्मरण करें। चतुर्थी, तेरस, चौदस और अमावस्या को पवित्रता का पालन करें। शराब न पिए और ना ही मांस का सेवन करें। नदी, पुल या सड़क पार करते समय भगवान का स्मरण जरूर करें। पेशाब करने के बाद धेला अवश्य लें और जगह देखकर ही पेशाब करें। रात्रि में सोने से पूर्व भूत प्रेत पर चर्चा न करें। किसी भी प्रकार के टोने टोटके से बचकर रहें। ऐसे स्थान पर न जाएं जहां पर तांत्रिक अनुष्ठान होता हो, जहां पर किसी पशु की बलि दी जाती हो या जहां भी लोभन आदि के धुएं से भूत भगाने का दावा किया जाता हो। भूत भगाने वाले सभी स्थानों से बचकर रहें क्योंकि ये धर्म और पवित्रता के विरुद्ध है। जो लोग भूत, प्रेत या पितरों की उपासना करते हैं वो राक्षसी कर्म के होते हैं। ऐसे लोगों का संपूर्ण जीवन ही भूतों के अधीन रहता है। भूत प्रेत से बचने के लिए ऐसे कोई भी टोने टोटके न करें जो धर्म विरुद्ध हो सकता है आपको इससे तत्कालीन लाभ मिल जाए, लेकिन अंततः जीवन भर आपको परेशान ही रहना पड़ेगा।